नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं पार समाचार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हल्द्वानी में डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे कोविड अस्पताल का जायजा लिया। इसके अलावा हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में बनाए गए कोविड केयर सेंटर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे कोविड अस्पताल तैयार हो जाएंगे, जिसके लिए राज्य सरकार ने भी 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं, जिससे कोविड मरीजों को एक बड़ी राहत मिल सकेगी। तो वही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दो टूक शब्दों में निजी अस्पतालों को चेतावनी दी है कि अगर कोई भी अस्पताल मनमानी या लापरवाही करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दोषी अस्पतालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मैंने सीधा सीधा संदेश पहले भी दिया है, अब भी दे रहा हूँ कि जो भी हॉस्पिटल हों, कहीं कालाबाजारी करते पकड़े गए, तत्काल उन पे कार्रवाई होगी और सख्ती से होगी। हल्द्वानी विधानसभा अध्यक्ष और विधायक ने केंद्र और राज्य सरकार से कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए पूर्ण लॉकडाउन की अपील की है। विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल का कहना है कि कोरोना बेलगाम हो चुका है, हालात अब बद से बदतर हो चुके हैं, इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि कोरोना के चलते पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए। तो विधायक ने पूर्ण लॉकडाउन लगाने की अपील की है। जिस कदर कोरोना लगातार बेकाबू होता जा रहा है, उसको लेकर विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने साफ तौर पर सरकार से, ये केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से अपील की है कि वो पूर्ण लॉकडाउन, जहां पर स्थिति बेकाबू होती जा रही है वहां पर लॉकडाउन लगा देना ही सही होगा। कोरोना महामारी को रोकने में भाजपा सरकार पूर्ण रूप से विफल हो गई है। अब केवल एकमात्र बचा है पूर्णकालिक लॉकडाउन का, और सरकार को तत्काल जो है इस महामारी से बचने के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाना चाहिए ताकि लोग बच सकें। स्थिति बहुत ही भयावह हो गई है, यहाँ तक कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के गाँव में भी अब ये कोरोना महामारी बढ़ते जा रही है। कई लोगों की मृत्यु हो गई है और हर घर में बीमार पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में एकमात्र उपाय अब केवल लॉकडाउन बचा है, इसलिए सरकार को तत्काल लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, वहीं ऋषिकेश स्थित एम्स मेडिकल कॉलेज भी कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास में लगा है। एम्स ऋषिकेश कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार से लेकर टेलीमेडिसिन सुविधा के जरिए कोरोना संक्रमित मरीजों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा देने में लगा है। खास बात तो ये है कि अब संस्था में अब कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए गायत्री मंत्र और प्राणायाम पर शोध किया जा रहा है, जिसको लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि ये शोध सकारात्मक होगी और गायत्री मंत्र से कोरोना संक्रमित मरीजों को एक नया जीवन मिलने में सहायता मिलेगी। एम्स ऋषिकेश में होने वाली इस शोध में हम कोविड के मरीजों में यूजुअल उपचार के साथ साथ गायत्री मंत्र और प्राणायाम को उपयोग कर रहे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उन मरीजों में एंग्जाइटी डिप्रेशन के जो लेवल्स हैं उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ है, इन्फ्लेमेशन के जो मार्कर्स हैं क्या उनमें कुछ डिफरेंस आता है या नहीं आता है। लेकिन ये सब चीज़ें यूजुअल उपचार के साथ दी जा रही हैं और इनका कंपैरिजन एक दूसरे ग्रुप से किया जा रहा है जिसपे सिर्फ यूजुअल उपचार दिया जाएगा। ये शोध अभी ऑनगोइंग है और ये सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट है और इसके रिजल्ट हमें बड़ी शोध से और देखने पड़ेंगे, तो हम जल्द ही इसके नतीजों के साथ। ऋषिकेश में कोरोना महामारी का फायदा उठाकर कालाबाजारी और ओवर रेटिंग की जा रही है, जिसकी रोकथाम के लिए पुलिस ने शहर में मिशन हौसला शुरू कर दिया है। इसके अंतर्गत जरूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचाई जा रही है और साथ ही पुलिस द्वारा कालाबाजारी और ओवर रेटिंग करने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। तो मिशन हौसले के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। देशभर के सात तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भी 18 से 44 साल तक के लोगों को टीका लगना शुरू हो गया है।
जिसका निरीक्षण करने नगर निगम महापौर टीकाकरण केंद्र पर पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं की बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने टीकाकरण केंद्र पर मौजूद स्वास्थ्य अधिकारियों को व्यवस्थाओं को बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। महापौर ने बताया कि टीकाकरण केंद्र में कोरोना गाइडलाइंस के साथ टीकाकरण करवाया जा रहा है और इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए शासन प्रशासन हर आवश्यक कदम उठा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि वायरस के ज्यादा घातक होने की वजह से जल्द वैक्सीन लगवाना बेहद आवश्यक है। आज व्यवस्थाओं का यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ में जायजा लिया गया। पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, दुरुस्त हैं पूरी व्यवस्थाएं। नगर निगम की तरफ से एक बार सुबह ही सैनिटाइजेशन पूरा प्रांगण हो जाता है, पूरे कमरे हो जाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के गोले बनाए जाते हैं ताकि 2 गज की दूरी मेंटेन रहे। सैनिटाइजर यहाँ पर उपलब्ध करा रखा है, इसी स्थान पर बराबर लोगों को सैनिटाइजर करने के लिए, हाथों को सैनिटाइजेशन के लिए। चमोली में 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है, जहां 36 वैक्सीन सेंटर बनाए गए और जो लोग वैक्सीन के लिए पंजीकरण करवा चुके हैं उन्हें नियमानुसार स्लॉट दिया जा रहा है और स्लॉट के अनुसार ही टीकाकरण किया भी जा रहा है ताकि टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ ना लगे। तो वहीं जिलाधिकारी की पहल पर मीडिया प्रतिनिधियों एवं विभागीय कर्मचारियों का टीकाकरण भी किया गया। में हमारे जिले को कल शाम को 6000 डोजेस वैक्सीन की मिल चुकी हैं, जो कि 18 से 44 वर्ष के लिए है और उसी के क्रम में आज 3 ब्लॉक्स में यहाँ गोपेश्वर में, कर्णप्रयाग और थराली में वैक्सीनेशन के कैंप शुरू कर दिए गए हैं और लगभग 900 लोगों को आज वैक्सीन लगी और इसके बाद कल से सभी 9 ब्लॉक्स में वैक्सीनेशन की जो स्लॉट्स हैं उसको ओपन कर दिया गया है और कल से सभी ब्लॉक्स में। हल्द्वानी में 18 से 45 साल तक के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में खास उत्साह देखा गया। हल्द्वानी के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की काफी भीड़ है, जिसके चलते पुलिस को खास मशक्कत करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि एक दिन में स्वास्थ्य विभाग की ओर से 1000 डोज वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के साथ ही प्रशासन की टीम भी वैक्सीनेशन के काम में लगी हुई है। नरेंद्र नगर में कोरोना से आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस ने बाजार में के मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने वाहन पर माइक लगाकर प्रचार करते हुए शहरवासियों को कोविड नियमों का पालन करने को कहा। साथ ही पुलिस ने लोगों को चेतावनी भी दी कि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन न करने वाले लोगों पर पुलिस सख्ती बरतेगी। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के साथ तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भी 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए कोविड वैक्सीन लगने की सुविधा शुरू हो चुकी है। ऐसे में वैक्सीनेशन करवाने वालों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसके चलते वैक्सीनेशन सेंटरों में भीड़ जमा हो रही है। इस समस्या को देखते हुए नगर निगम महापौर ने जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव से मांग की है कि बापू ग्राम स्थित नगर निगम के शाखा कार्यालय में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाए, जिस पर जिलाधिकारी ने सप्ताह भर में अतिरिक्त वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का आश्वासन दिया है। तो महापौर द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की मांग की गई है। जिस तरह से 18 से 44 साल तक का के उम्र वालों को वैक्सीन देने का जो दायरा है वो बढ़ाया गया है, उसको लेकर ही महापौर ने वैक्सीनेशन सेंटर्स की जो डिमांड है उसको बढ़ाते हुए और भी वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाने को कहा है ताकि लोगों को वैक्सीन मिल सके। कोरोना काल का असर विकास नगर क्षेत्र के छोटी फैक्ट्रियों पर भी पड़ने लगा है, जहां जीवनगढ़ स्थित टार फैक्ट्री श्रमिकों ने वेतन में बढ़ोतरी न होने पर फैक्ट्री के बाहर हंगामा किया। श्रमिकों का आरोप है कि 2 साल से कंपनी उनके वेतन बढ़ोतरी में नहीं बढ़ा रही है, जिसकी बढ़ती महंगाई में उनका घर चलाना मुश्किल हो गया है और फैक्ट्री प्रबंधक द्वारा 2 साल से आश्वासन दिया जा रहा है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हमने 2 दिन से कार्य का बहिष्कार किया है। तो वहीं फैक्ट्री प्रबंधक ने कहा कि कोरोना काल जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही समस्या का हल निकाला जाएगा। सर हमें 2 साल से एग्रीमेंट नहीं हुआ है, पैसे नहीं बढ़ रहे हमारे, ना पीएफ है ना एसआई कटता है, कुछ नहीं कटता है सर यहाँ पर सर, कंपनी में किसी भी सेफ्टी नाम की चीज नहीं है।
यही दिक्कत है हमारी, हमारी मांग नहीं पूरी की जा रही है। पीएफ वगैरह काटते हैं ये लोग? पीएफ वगैरह कुछ नहीं करता सर, ना एसआई करता है ना पीएफ करता है, कुछ नहीं करता है ना जी। क्या चाहते हैं आप? एग्रीमेंट कर रखा कंपनी ने तुम्हारे साथ? नहीं जी, 2 साल से नहीं हुआ है। नहीं कहीं किसी को चोट पीट लग जाए? ना ना कुछ नहीं जी, वही थोड़ा बहुत दवाई मिल जाता है बाजार का, बस और कुछ नहीं मिलता है। और हमारा एग्रीमेंट नहीं हो रहा 2 साल से। अच्छा, कितनी सैलरी मिलती है? सैलरी सर 8300 रुपया दिया जा रहा है और 8924 रुपया है बोर्ड पर। अच्छा, और एग्रीमेंट नहीं किया जा रहा है 2 साल से। कहीं पीएफ वगैरह कटता तुम्हारा? सर 10 साल हो गए हमारा पीएफ एसआई, कुछ नहीं कटा है सर, मजदूरी मिलती केवल। कितने सालों की कंपनी में काम करते हो? 10 साल हो गए सर। आपने अपनी बात को रखी, क्या करें कंपनी वाले? सर अभी तैयार नहीं है, आगे देखते हैं क्या होता है। लेबर की डिमांड है इंक्रीमेंट करने की, जो इस साल इंक्रीमेंट नहीं हो पाए। इनकी सैलरी टाइम पे दे दी गई है अप्रैल माह की, हमारी तरफ से कोई चूक नहीं हुई है इंक्रीमेंट के लिए। इनसे ये कहा गया है कोरोना काल की वजह से पिछले साल से ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है, फैक्ट्री 50% से भी कम कैपेसिटी पर चल रही है। हम लड़के नहीं बढ़ा पा रहे क्योंकि ऑर्डर कम है, जो माल गया हुआ है उसकी पेमेंट डिले हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट का फंड इस समय कोविड में जा रहा है। बिजली बोर्डों को, एजुकेशन बोर्डों को पैसे रिलीज नहीं हो पा रहे, हमारा जो माल गया हुआ है उसकी पेमेंट अभी रुकी हुई है। लेबर को ये आश्वासन दिया गया है थोड़ा सा कोऑपरेट करें, 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने बिना कहे, जैसे ही कंपनी के हालात सुधरेंगे इनका अपने आप इंक्रीमेंट हो जाएगा, आज तक भी जैसे होता है हो जाए। हरिद्वार पुलिस के आला अधिकारियों के निर्देश पर रानीपुर कोतवाली पुलिस ने नशीले एवं मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत 2 तस्करों को संयुक्त टीम के साथ गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 7 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पार समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइए, देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।